हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करने वाले हैं यूजेस एंड फंक्शन ऑफ टैग कोड के बारे में। अब ये टैग कोड क्या होता है उसके बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, इसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं। सबसे पहले तो बिटुमिनस जो टैग कोड है वो बेसिकली एप्लीकेशन होती है बिटुमिनस मटेरियल की, जो कि किसी भी एग्जिस्टिंग पेवमेंट सरफेस के अंदर ही आप उसको यूज कर रहे होते हैं, ठीक है ना। एग्जिस्टिंग पेवमेंट है उसी के ऊपर आप इसको अप्लाई कर रहे होते हैं, जो कि बिटुमिनस मटेरियल ही होता है। जो कि पहले केस के अंदर सील कोड के अंदर वो इम्परवियस नहीं होती थी, बट यहाँ पे रिलेटिवली इम्परवियस होती है, ठीक है। बिटुमिनस सरफेस हो गया या फिर सीमेंट कंक्रीट की पेवमेंट हो गई या फिर परवियस सरफेस हो गई, जैसा कि WBM रोड होती थी, है ना। WBM के अंदर भी हम प्राइम कोड को ट्रीट करते थे, है ना। तो इसलिए टैग कोड बेसिकली एग्जिस्टिंग पेवमेंट के अंदर ही हम यूज कर रहे होते हैं, है ना। यहाँ पे रिलेटिवली ये इम्परवियस होती है, ठीक है। टैग कोड को जनरली हम किस तरीके से यूज करते हैं, हम इसके अंदर जो भी हमारा बिटुमिनस मटेरियल है उसको ही स्प्रे कर रहे होते हैं, है ना। बट यहाँ पे जो उसकी विस्कोसिटी होती है वो हायर विस्कोसिटी होती है, जैसे कि हॉट बिटुमिन होता ना, उसकी विस्कोसिटी जैसी होती हॉट बिटुमिन की, उसी तरीके से इसकी भी विस्कोसिटी थोड़ी सी हायर होती है। अगर मैं इसके रेट की बात करूं तो लगभग लगभग 10 मीटर स्क्वायर का एरिया है तो वहां पे 4.9 से लेके 9.8 किलोग्राम पर 10 मीटर स्क्वायर में इसका यूज करते हैं, और डिपेंड भी करता है कि आपका सरफेस का टाइप किस तरीके से है। हालांकि स्पेशल सर्कमस्टेंसेस के अंदर जो टैग कोट है उसको आप एक बिटुमिनस इमल्सन भी आप अप्लाई कराते हो कोल्ड स्टेट के अंदर, ठीक है ना। तो ये स्पेशल सर्कमस्टेंसेस हैं जो कि हर जगह नहीं होते, कोल्ड स्टेट के अंदर देखे जाते हैं, जहाँ पे ठंड वाली प्रवृत्ति वाली जगह होती है। तो ये कुछ टैग कोट है, टैग कोट के बारे में था। सबसे पहले अगर मैं लेयर्स की बात करूं तो प्राइम कोट होता है, प्राइम कोट के बाद टैग कोट होता है, और टैग कोट के ऊपर सील कोट होता है। ये यहाँ पे इम्परवियस नहीं होता, यहाँ पे रिलेटिवली होता है। और प्राइम कोट क्या होता है उसके बारे में आगे जानेंगे, समझेंगे। तो टैग कोट हमारा, सील कोट कम्प्लीट हो गया और ये टैग कोट कम्प्लीट हो गया। अब हमारा लास्ट बचेगा प्राइम कोट, जो कि हम अगले लेक्चर के अंदर देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।